गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट चल रही थी अपनी, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट, और उसमें हमने कल ही क्लास में पढ़ लिया था सेपी और सेवी यानी हीट कैपेसिटी पढ़ी थी। इसमें तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी सीपी और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी थी सीवी, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन था वो हमने कल ही क्लास में कंप्लीट कर लिया था, जो कि एक मोल आइडियल गैस के लिए अपना कितना आया था, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये था मेयर का फॉर्मूला। और सीपी अपॉन सीवी का रेशियो है वो गामा से शो करते हैं, गामा क्या था, पॉइजन का रेशियो था, ठीक है। उसके बाद में आज हीट कैपेसिटी के बाद में नेक्स्ट अगर टॉपिक रहेगा जूल्स लॉ, हिंदी में इसे बोलेंगे जूल का नियम। इसमें जूल है वो क्या रहेगा, साइंटिस्ट का नाम रहेगा, तो जूल का नियम, ठीक है। तो जूल का नियम है, उसमें जूल साइंटिस्ट का नाम है। अब जूल ने अपने नियम में क्या बताया था, तो जूल ने क्या बताया कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ई, या फिर हम उसे यू, कैपिटल यू से भी लिख सकते हैं, तो किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ई या यू उस सिस्टम के वॉल्यूम या आयतन पर डिपेंड नहीं करती है, या वॉल्यूम या आयतन से क्या होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, तथा किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ई या यू केवल और केवल उस सिस्टम के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, जूल के नियम के अनुसार किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो उसके वॉल्यूम या आयतन पर डिपेंड नहीं करती है, अर्थात किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो उसके टेम्परेचर पर निर्भर करती है। अब इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी केवल उसके टेम्परेचर का फंक्शन होती है, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जूल नियम का जो स्टेटमेंट है ना कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ई या यू केवल उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर का एक फंक्शन होगी इंटरनल एनर्जी, तो इसे हम इक्वेशन के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ई या यू केवल उसके टेम्परेचर का फंक्शन होती है, इस कारण से इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। केवल एक ही लाइन का ये जूल का नियम है कि इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा सिस्टम के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे जूल नियम हो गया, केवल इतना ही रहेगा। उसके बाद में आता है जूल थॉमसन गुणांक या जूल थॉमसन का प्रभाव बोले या नियम बोले, तो सेकंड लिखेंगे हम इसके अंदर जूल थॉमसन इफेक्ट, ठीक है। जूल थॉमसन का जो प्रभाव है ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जूल और थॉमसन दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, दोनों ने आपस में मिलकर के कुछ एक एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, उस अनुभव को यहाँ पे जूल थॉमसन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अब वो एक्सपीरियंस या अनुभव क्या रहेगा, तो वो देखें इसमें क्या आएगा कि जूल थॉमसन प्रभाव इसमें यदि किसी भी एक गैस को, किसी सिस्टम में एक गैस भरी हुई है, उस गैस को यदि हम उच्च दाब से निम्न दाब की ओर एक छोटे से छिद्र के द्वारा उसको प्रसारित होने देते हैं, गैस यहाँ से गैस यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यानी कि जब गैस को रुधोषण परिस्थितियां लगा ना, यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस है, गैस क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस चलेगी यहाँ पे, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जब किसी गैस को हाई प्रेशर यानी उच्च दाब से लो प्रेशर यानी निम्न दाब की ओर एक छोटे से छिद्र के द्वारा प्रसारित किया जाता है या प्रवाहित किया जाता है, तो यहाँ आने के बाद गैस का टेम्परेचर या तापमान कम हो जाता है। टेम्परेचर कम हो जाएगा तो हम कहेंगे गैस क्या होगी, ठंडी होगी, यानी गैस का क्या हो गया, शीतलन हो गया। यही प्रभाव जूल थॉमसन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से इसने स्टेटमेंट क्या रहेगा, जूल थॉमसन प्रभाव के अनुसार उदोषण परिस्थितियों में जब किसी गैस का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसार करवाया जाता है या प्रवाहित किया जाता है, तो गैस का ताप कम हो जाता है, अर्थात गैस ठंडी हो जाती है, अर्थात गैस का शीतलन हो जाता है। इस प्रभाव को, गैस का टेम्परेचर कम होने की जो क्रिया है, इस प्रभाव को सबसे पहले जूल थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने, जूल और थॉमसन नाम के दो साइंटिस्ट ने बताया था।
इस कारण से इस प्रभाव को जूल थॉमसन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अब टेम्परेचर कम क्यों हो गया, गैस ठंडी क्यों हो गई, तो इसमें आएगा कि जब गैस का यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी तो गैस को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। कार्य करेगी तो उसकी गैस के अणु खुद कार्य करें, यहाँ पे खुद कार्य करेंगे तो उनकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा टेम्परेचर तो गैस क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो इसका रीजन यही रहेगा कि गैस जब इस छिद्र से यहाँ आ रही है लो प्रेशर में तो गैस क्या कर रही है, प्रसार कर रही है। गैस खुद क्या कर रही है, प्रसार कर रही है। प्रसार करने में उसे कुछ कार्य करना पड़ता है जिसे हम बोलेंगे एक्सपेंशन वर्क या प्रसार का कार्य। अब ये गैस प्रसार करेगी, खुद कार्य करिए, कोई भी सिस्टम जब खुद कार्य करता है तो उसकी खुद की एनर्जी वेस्ट होती है, एनर्जी वेस्ट होगी मतलब एनर्जी खर्च होगी, एनर्जी कम हो जाएगी तो टेम्परेचर अपने आप ही कम हो जाएगा। जब एनर्जी कम होती है वहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम होते ही गैस ठंडी हो जाएगी, गैस ठंडी हो जाती है बोलेंगे गैस का शीतलन हो गया। इसी प्रभाव को जूल थॉमसन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये रहेगा इसमें जूल थॉमसन प्रभाव। उसके बाद ये आता है कि हाइड्रोजन और हीलियम दो गैस होती है ना, हाइड्रोजन गैस है और हीलियम गैस है। नोट लगा के देख लो यहाँ पे कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस के अलावा बाकी सभी गैसें नॉर्मल टेम्परेचर पे जूल थॉमसन प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। ये दोनों गैसें भी जूल थॉमसन प्रभाव प्रदर्शित करती हैं लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे ये जूल थॉमसन प्रभाव नहीं दर्शाती हैं। तो हम ये दोनों क्या बोलेंगे कि दो गैसें जो अपवाद हैं जूल थॉमसन प्रभाव का, यानी वे रूम टेम्परेचर पे जूल थॉमसन प्रभाव नहीं दर्शाती हैं, तो उसके एग्जाम्पल रहेंगे हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। तो हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस दोनों ही क्या है, रूम टेम्परेचर पर या सामान्य परिस्थितियों में जूल थॉमसन प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती हैं। तो फिर इसमें आता है कि दोनों गैसों के लिए ताप होता है, उस ताप से नीचे के ताप पे ये गैसें जूल थॉमसन प्रभाव प्रदर्शित करेंगी। तो हाइड्रोजन गैस के लिए वो टेम्परेचर होता है माइनस में 80 डिग्री सेंटीग्रेड और हीलियम गैस के लिए वो टेम्परेचर होता है माइनस में 240 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो तो माइनस 80 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के ताप पे जूल थॉमसन प्रभाव प्रदर्शित करती है और हीलियम गैस है वो माइनस में 240 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के ताप पे जूल थॉमसन प्रभाव प्रदर्शित करती है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं करती क्योंकि ये टेम्परेचर प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम बोलेंगे कि दोनों गैसें नॉर्मल परिस्थितियों में जूल थॉमसन प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती है। किस टेम्परेचर पर करेंगी वो हमने लिख दिया, आगे समझ में। तो ये रहेगा इसमें जूल थॉमसन का प्रभाव, ये भी एक नंबर में पूछा जाता है। अभी दोनों टेम्परेचर हैं हाइड्रोजन और हीलियम गैस के लिए, इन टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम, इन्वर्जन टेम्परेचर बोलेंगे, इन्वर्जन टेम्परेचर या हिंदी में इनका नाम रहेगा व्युत्क्रम ताप। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस के लिए इन टेम्परेचर को क्या कहेंगे, इन्वर्जन टेम्परेचर, क्योंकि इन्वर्जन टेम्परेचर की डेफिनेशन भी लिखी तो वहाँ पे क्या आएगा कि वह ताप, किसी भी गैस का वह ताप जिससे नीचे के ताप पर या जिस ताप पर वह गैस जूल थॉमसन प्रभाव प्रदर्शित करती है उस ताप को उस गैस का व्युत्क्रम ताप कहेंगे। तो हाइड्रोजन गैस इस टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर पे जूल थॉमसन इफेक्ट शो करेगी और हीलियम गैस इस टेम्परेचर से नीचे के टेम्परेचर पे जूल थॉमसन इफेक्ट वो शो करेगी। तो ये दोनों टेम्परेचर इन दोनों गैसों के लिए क्या कहलाएंगे, व्युत्क्रम ताप या इन्वर्जन टेम्परेचर के नाम से जाने जाएंगे। ये था इसमें जूल थॉमसन इफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है जूल थॉमसन कोफिशियंट, नेक्स्ट आएगा जूल थॉमसन कोफिशियंट। जूल थॉमसन कोफिशियंट, ठीक है, जूल थॉमसन का गुणांक, देखिए इसमें क्या रहेगा, जूल थॉमसन गुणांक को म्यू जे टी से प्रदर्शित करते हैं। जूल थॉमसन गुणांक को म्यू जे टी से प्रदर्शित किया जाए, यहाँ पे जे रहेगा जूल का और टी रहेगा थॉमसन का। तो जूल थॉमसन कोफिशियंट को म्यू जे टी से प्रदर्शित करेंगे। इक्वेशन क्या होती है इसकी, तो स्थिर एंथैल्पी पर क्रम में जो कांस्टेंट होता है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे आएगा एट कांस्टेंट एंथैल्पी, एंथैल्पी कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट होती है वो यहाँ पे ब्रैकेट के यहाँ पे लिखी जाती है। स्थिर एंथैल्पी प्रक्रम में या कांस्टेंट एंट्रोपी पर
किसी सिस्टम के दाब के प्रति उसके ताप के परिवर्तन की दर को। हम गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ले जा रहे थे, तो दाब के सापेक्ष हम किस में चेंज देख रहे थे, टेम्परेचर में। ये तो बोला ना हम गैस की उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ आएगी तो गैस का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो दाब के सापेक्ष में हम ताप में परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं, तो स्थिर एंथैल्पी प्रक्रम में ही वहां पे हमने लिखा था एडियाबेटिक प्रोसेस, जूल थॉम्सन इफेक्ट। तो इसमें जूल थॉम्सन कोफिशिएंट है वो क्या लगे अपना, कि स्थिर एंथैल्पी प्रक्रम में दाब के सापेक्ष ताप में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे हम, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, अब इसमें आता है कि जूल थॉम्सन कोफिशिएंट की वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर आइडियल गैस यानी आदर्श गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक है वो हमेशा ही क्या रहेगा, जीरो रहेगा। कोई भी आदर्श गैस हो उन सभी गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक है उसकी वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी। और हम लिखेंगे फॉर रियल गैस यानी कि वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक है उसकी वैल्यू हमेशा ही जीरो से अधिक रहेगी, या फिर हम बोलेंगे कि जूल थॉम्सन गुणांक है वो वास्तविक गैसों के लिए हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव होता है। आगे ये रहेगा अपना जूल थॉम्सन का कोफिशिएंट जो कि आइडियल गैस के लिए जीरो होगा और रियल गैस के लिए इसकी वैल्यू किसमें आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब जूल थॉम्सन कोफिशिएंट के बाद में नेक्स्ट अपने एक टॉपिक है छोटा ही है, उसमें रहेगा अपना इन्वर्जन टेम्परेचर। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, इन्वर्जन टेम्परेचर, इसे शो करेंगे TI से। टी का मतलब टेम्परेचर, आई का मतलब क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। ठीक है, हिंदी में हम इसको क्या बोल देंगे, व्युत्क्रम ताप। इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा जाएगा कि वह ताप जिसके ऊपर जूल थॉम्सन कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज हो जाए, या फिर इस तरह से समझ लें तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे कि किसी भी गैस का वह टेम्परेचर या वह ताप जिस पर वह गैस जूल थॉम्सन इफेक्ट को शो करे वही टेम्परेचर उसका जूल थॉम्सन उसका इन्वर्जन टेम्परेचर या व्युत्क्रम ताप कहलाता है। तो वह किसी भी गैस के लिए वह टेम्परेचर जिस पर वह गैस जूल थॉम्सन इफेक्ट शो करती है वह उसका इन्वर्जन टेम्परेचर TI कहलाएगा। और इन्वर्जन टेम्परेचर का फॉर्मूला रहता है इसमें 2A अपॉन में R। किसी भी गैस का इन्वर्जन टेम्परेचर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या रहेगा, TI इज इक्वल टू 2A अपॉन में RV। इस फॉर्मूले में TI तो क्या हो जाएगा, इन्वर्जन टेम्परेचर 2 और R क्या है, कॉन्स्टेंट है, R गैस कॉन्स्टेंट हो जाएगा। A और B ये क्या है, तो इसमें हम लिखेंगे जहाँ A और B रहेंगे उस गैस के वान डर वाल्स कॉन्स्टेंट, जिस गैस का हम इन्वर्जन टेम्परेचर ज्ञात करें उस गैस के वान डर वाल्स कॉन्स्टेंट रहेंगे A और B। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी गैस का, इस फॉर्मूले से ये शो हो रहा है कि किसी भी गैस का इन्वर्जन टेम्परेचर TI उस गैस के वान डर वाल्स कॉन्स्टेंट A और B पर डिपेंड करता है। इसी गैस का इन्वर्जन टेम्परेचर TI उस गैस के वान डर वाल कॉन्स्टेंट A और B पर डिपेंड करता है। हो गया इतना, ये रहेगा यहाँ पे इन्वर्जन टेम्परेचर। हाइड्रोजन के लिए इन्वर्जन टेम्परेचर कितना था, TI की वैल्यू थी आपकी माइनस में 80 डिग्री सेंटीग्रेड। और हीलियम गैस के लिए इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू आई थी आपके माइनस में 240 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रहेगा यहाँ पे आपका इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट रहेगा आपके वर्क ऑफ एक्सपेंशन। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, प्रसार का कार्य। एक्सपेंशन क्या होता है, प्रसार होता है। वर्क ऑफ एक्सपेंशन का मतलब हो जाएगा यहाँ पे प्रसार का कार्य। अब देखो यहाँ पे प्रसार का कार्य होता क्या है, यहाँ पे कोई भी गैस है वो गैस जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट अनदर स्टेट में गई या इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में गई, तो इनिशियल स्टेट में उसका वॉल्यूम या आयतन VI माने या V1 से लिखें और फाइनल स्टेट में उसका आयतन VF या फिर V2 से लिखेंगे। तो जब एक गैस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गई है तो इसका मतलब तब हम बोलेंगे उस गैस का आयतन बढ़ गया। आयतन बढ़ना मतलब उसमें प्रसार हो गया। प्रसार हो गया तो प्रसार किया है तो गैस ने कुछ कार्य भी किया होगा। तो गैस अपने प्रसार के दौरान जो कार्य करती है उसी को हम वर्क ऑफ एक्सपेंशन या प्रसार के कार्य के नाम से जाना जाता है। कोई भी गैस अपना आयतन प्रसारित करने में या आयतन बढ़ाने में जितना प्रसार करती है उस प्रसार के दौरान, उस एक्सपेंशन के दौरान उस गैस के द्वारा किया गया वर्क या कार्य है वही क्या कहलाता है,
वर्क ऑफ एक्सपेंशन या प्रसार का कार्य कहलाता है। और एक हम इसमें बोलते हैं कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम, जब हमने उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़े थे, वहाँ पे हमने ये लिखा था कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में प्राप्त कार्य अधिकतम होता है और उत्क्रमणीय प्रक्रम अनेक छोटे छोटे स्टेप में संपन्न होते हैं। तो उन सभी छोटे छोटे स्टेप में जो कार्य बहुत प्राप्त होता है, उन सभी कार्यों को जोड़ करके उस रिवर्सिबल प्रोसेस का टोटल वर्क है वो हम प्राप्त करते हैं। और किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस से प्राप्त कार्य वो क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा। तो वहाँ पे हम रिवर्सिबल प्रोसेस से प्राप्त कार्य को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो देखें। अब अपने को पता है कि कार्य किसके बराबर होता है, W इज इक्वल टू पी डी वी के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि उत्क्रमणीय प्रक्रम का प्रसार कार्य अधिकतम होगा, तो W रिवर्सिबल को हम W मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रसार उत्क्रमणीय प्रक्रम वाला कार्य क्या होता है, अधिकतम होता है। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पी डी वी के बराबर हो जाएगी। समीकरण नंबर एक बनेगी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में। ये मानना है कि गैस प्रसारित हो रही है, इसका मतलब फाइनल स्टेट का वॉल्यूम इनिशियल स्टेट के वॉल्यूम से क्या रहेगा, अधिक रहेगा। तो गैस का प्रसार जब वी आई से वी एफ तक हुआ ना, उस दौरान क्या गया कार्य ये रहेगा, रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, ये ध्यान रखना। अब इसमें लिखेंगे फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण से। आदर्श गैस समीकरण होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी रखेंगे वी इस साइड आएगा तो नीचे लिखा जाएगा एन आर टी अपॉन में वी, समीकरण नंबर दो। अब समीकरण नंबर एक और दो से क्या करना है अपने को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, यानी इक्वेशन नंबर टू से पी की वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर वन में इस पी की जगह रखेंगे, तो क्या बनेगा अपना W मैक्सिमम वी आई से वी एफ, और P की जगह हमने लिख दिया एन आर टी अपॉन में वी, और यहाँ पे हम लिख देंगे डी वी। अब पता है N क्या है, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल कॉन्स्टेंट है, R गैस कॉन्स्टेंट है, T को हम टेम्परेचर यानी जो प्रोसेस हो रही है उस दौरान हम ये मान लें कि टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट है, तीनों कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट का समाकलन होता नहीं है, इसलिए तीनों को हम समाकलन के साइन से बाहर लिखेंगे। तो W मैक्सिमम इज इक्वल टू एन आर टी वी आई अपॉन में वी एफ और डी वी, और ये वी इसके नीचे लिख देंगे डी वी अपॉन में वी, समीकरण नंबर तीन बन गई। अब समीकरण नंबर तीन में हम डी वी अपॉन वी का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो अपने को जो समीकरण प्राप्त होगी वो नेक्स्ट क्या रहेगी, W मैक्सिमम इज इक्वल टू एन आर टी ln ln vf अपॉन में vi, समीकरण नंबर चार। अपने को पता है ln इज इक्वल टू क्या होता है, 2.303 log होता है, तो इस समीकरण में ln की जगह 2.303 log रखेंगे तो क्या बनेगा, W मैक्सिमम इज इक्वल टू 2.303 पहले लिख देंगे, उसके बाद में nRT log vf अपॉन में vi। जो हमें समीकरण नंबर पाँच प्राप्त हुई है, समीकरण नंबर पाँच से हम किसी उत्क्रमणीय प्रसार कार्य, कोई गैस है उत्क्रमणीय रूप से प्रसारित हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है इसमें, तो उस गैस का के दौरान उस रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान किया गया कार्य जो W मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, उसे हम समीकरण नंबर पाँच से ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए अपने को ऐसा प्राप्त हुआ कि उस गैस का कार्य है या उस गैस में प्रसार के दौरान, या फिर हम ये मान लें कि वो गैस जब कोई भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, उस रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान गैस का प्रसार हुआ है, लेकिन वहाँ पे हमें ये वॉल्यूम नहीं दिया हुआ कि इनिशियल स्टेट का आयतन कितना है, फाइनल स्टेट का आयतन कितना है, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, तो वहाँ पे हम W मैक्सिमम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो जब अपने को किसी न्यूमेरिकल इक्वेशन में वॉल्यूम नहीं दिया हुआ हो ना इनिशियल और फाइनल स्टेट का, तब हमें वहाँ पे दिया हुआ मिलेगा प्रेशर। और अपने को पता है प्रेशर क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये तांक है, तो P इज इक्वल टू V इस साइड लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि दाब है वो आयतन के क्या व्युत्क्रम अनुपाती है। तो ये जो समीकरण नंबर पाँच में वी एफ अपॉन में वी आई है, तो यहाँ पे दाब के रूप में इसे किस प्रकार से लिखेंगे, पी आई अपॉन में पी एफ, क्योंकि वी एफ इसका प्रेशर पी एफ व्युत्क्रम अनुपाती रहेगा, वी आई व्युत्क्रम अनुपाती लिख दिया, और वी आई है मतलब कि जैसे वी एफ अपॉन वी आई है इसको उल्टा लिखा जाएगा प्रेशर के रूप में, पी आई ऊपर आएगा पी एफ नीचे आएगा, यानी इनिशियल स्टेट का प्रेशर ऊपर लिखा जाएगा और फाइनल स्टेट का प्रेशर वो नीचे लिखा जाएगा। तो हम इस समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि W मैक्सिमम इज इक्वल टू 2.303 nRT log PI अपॉन में PI। तो समीकरण नंबर पाँच और ये हमें प्राप्त होगी यहाँ पे समीकरण नंबर छः।
समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 दोनों से ही हम रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान जब गैस का एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है, तो उस दौरान जो कार्य किया जाएगा, मैक्सिमम कार्य किया जाएगा, उसे हम इन दोनों समीकरणों से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा यहाँ पे व्रकोव एक्सपेंशन ज्ञात करने का फॉर्मूला। यहाँ पे बुक्स में माइनस लिखा हुआ, माइनस कब करेंगे हम, जब हम यहाँ पे करेंगे ना, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, सॉरी गैस का कंप्रेशन हो रहा है, गैस का आयतन सिकुड़ रहा है, आयतन कम हो रहा है, यानी यहाँ पे ये फॉर्मूला ये लगे कि वी आई की वैल्यू ज्यादा और वी एफ कम है, यानी फाइनल स्टेट में पहुंची तो गैस का प्रसार नहीं हुआ, संपीड़न हो गया, तब यहाँ पे क्या लग देगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, वैसे पूछ जाता है प्रसार वाला कार्य एक्सपेंशन वगैरह की पूछ जाएगा आपको, सिलेबस में भी आपको यही है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में अपने को डी यू, आइसोथर्मल प्रोसेस में डी यू, डी एच और टेम्परेचर प्रेशर, इन सभी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है किसके अंदर, आइसोथर्मल प्रोसेस में। ये टॉपिक हम करेंगे कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही।